जबान संभाल के जो चाहे कहो पर जरा देखभाल के जबान संभाल के जबान संभाल के। मैं गवर्नमेंट का अफसर हाँ, हिंदी भाषा सीखता हाँ। हिंदी मेरी कच्ची पर एक्टिंग मेरी अच्छी। हम हांगकांग से आया बड़ी, इतना डॉलर लाया। इतना धीरे से कहो, टैक्स वालों से बचो। कोई सिंधी कोई पारसी कोई रूसी तो कोई अरबी, कोई ब्रिटिश राज का राइटर तो कहीं मद्रासी अभिनेत्री। एक एयर होस्टेस एक कॉन्ट्रैक्टर मिलके बोले का खाका, सबके मन में है अभिलाषा मिलके सीखे हिंदी भाषा। बट मैन डोंट मेक तमाशा। Kiki, slam, slam, Kiki. Pas quoi là, Kiki? Kiki, Kiki, tu me quelle chambre, qu'est-ce que tu dis? क्या करती वाली होमवर्क करती बीजा क्या करती होमवर्क ओ अपना कपड़ा धोने का बर्तन धोने का झाड़ू मारने का साफ सफाई करने का ना तुम कपड़े धोती और बर्तन धोती तो तुम्हारे सर्वेंट क्या करती सर्वेंट अपने आप को धोती है चकाचक रखता है Kiki, voilà. तुम हमारे हेल्प करेगी हेल्प बोलो क्या हेल्प मांगता है हिंदी सीखने का नो प्रॉब्लम बोलो Kiki, हम अभी उतना पागल नहीं हो गई कि हम तुमसे हिंदी सीखेंगे। Kiki, हम कल शाम को हमारा गर्लफ्रेंड फिफी के साथ डिस्को में जाती। वो दिन तो तुम बोला कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड का नाम मिमी करके फिफी कौन है? मिमी हमारा मंदिर का गर्लफ्रेंड और फीफी हमारा फिराइदे का गर्लफ्रेंड। बस खा दे वापस चुप हो जा। तुम उस दिन क्या बोला कि हम जुम्मा के दिन कभी भी चुम्मा नहीं देते। हम चुम्मा नहीं करेंगे, फीफी हमको चुम्मा करेगी। और हम डिस्को डांसेगी। सिर्फ डिस्को डांस नहीं का है, तो उसमें हमारा क्या हेल्प मांगता है? क्या तुम्हारा पूछ पकड़ के पीछू भागने का है? फीफी का बहन फूफू भी आती है। बस फीफी हमको बोली रसलान डार्लिंग तुम्हारे अजीज दोस्त को बुलाओ फूफू के लिए, नहीं तो फूफू कबाब में हड्डी बनेगी। तुम आएगी? अभी थैंक यू सो मच यार। अभी तुमको फिफी ने बोला कि उसका बेन फूफू के लिए तू मेरा अजीज दोस्त को लेके आओ, और तुमने हमको पूछा तो हम कैसे ना बोले। करेगी अजीज तो वापस दुबई गई और हमारा सब बेस्ट दोस्त बिजी है, तो मैं सोची के वो सलावा चलो केकी को पूछेगी। अरे गधेड़ा जाने का नहीं है, वो डिस्को डांस में जाने का उस फीफी और फूफू के साथ। अरे फूफा जी, ये फीफी और फूफू का क्या लफड़ा है? कौन है ये फीफी और कौन है ये फूफू? गर्लफ्रेंड और फूफू हमारा गर्लफ्रेंड छोटी बहन है, और तुम टोटल चिड़िया है। अरे उस दिन तुमने मेरे को गर्लफ्रेंड से मिलाया था, तुमने कहा था उसका नाम टीटी है। टीटी हमारे ट्यूसडे का गर्लफ्रेंड। समझा समझा, तुम्हारा सिस्टम विजया की तरह है। मंडे को मिमी, ट्यूसडे को टीटी, वेडनेसडे को वीवी, थर्सडे को टीटी, फ्राइडे को पीपी, सैटरडे को सीसी, और संडे को संडे को हम पूरा हफ्ते को एक साथ लेते घर में। अरे बाबा नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत लफड़ा है, बहुत लफड़ा है। अरे मक्खन आया है, तुम मक्खन को लेके जाओ। ओ नहीं यार, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और सुबह से मेरे पेट में गड़बड़ है, बड़ा दर्द हो रहा है यार। मक्खन जी, तुम्हारे किस चीज में तकलीफ है? ओ मेरे पेट में तकलीफ है, टेढ़े की पीड़ है। अयो तो अपने कान कमती करो जी, जब देखो तो बकरी की तरह काट रहे थे ना। वही खाते पीते लोग हैं, हैं? और तेरी तरह नहीं, खाए बकरी की तरह और सूखे लकड़ी की तरह। मेरे पेट देख के मालूम
पड़ता, ये पेट नहीं पॉट जी। डोंकिस्टा, आप मुझको मेरी जगह वापस दे देंगे? हाँ चार्ल्स, तुम हमारे साथ बैठो और बॉम किस दादा अपने उधर पीछे बोशुन। हे केवल जी, ये तो बहुत नाइंसाफी है, हमको फ्रंट बेंचर से बैक बेंचर बना दिया। चल बिना, चल बिना, चल बिना, चल बिना, चल बिना, हम हाथ जोड़ के पिरची खाता है। हाथ जोड़ता है तो हम जगह छोड़ता है। चल बिना, चल बिना, हम तुमसे जरा बात करना चाहते हैं। हम कभी तुमको कुछ बोलने के जी? तो बोलो ना। ये चार्ल्स का बच्चा विजय के कान में क्या बोलती? रसलान, ये चार्ल्स है ना, एक नंबर का चालू है। अभी देखो उसका शादी को अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, सीधा विजय का पीछे लाइन मारने का चालू कर दिया। ये अंग्रेज अपना ब्रिटिश राज भारतीय नारी पे जमा दिया, कन्याकुमारी से मद्रास तक पहुंच गया। हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट। मैं भी 2 दिन से बात कर रहा है, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। बस बस, गोल चक्कर है, गोल चक्कर है। हाय चार्ल्स, हे तुम लोग क्या क्या कुछ कुछ करता है? कुछ करता है ये वाटर ब्लडी चीक मैन मक्खन जी, और दोनों को क्या हो गया है? जो हम दोनों को होना चाहिए था। नमस्ते 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 नमस्ते, बैठे 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 नमस्ते मिस्टर चार्ल्स, गुड इवनिंग। नमस्कार मिस विजया, वन्नाकम। वन्नाकम सर, सॉरी सर। वेरी सॉरी सर, गुड इवनिंग सर। क्या बात है, आप लोग बड़े किसी खास डिस्कशन में लगे हुए थे लगता है। ये जरा आपस की बात है सर, पर्सनल। ओह पर्सनल है, हाँ तो ठीक है, फिर आप बैठ जाइए। धन्यवाद। ये हम लोग कौन सा लेसन पढ़ने वाले थे आज? वो लेसन जो शादी वाला मर्द को सीखने को मांगता है जी। हाँ सर, जब उसका औरत है तभी वो दूसरा छोकरी के साथ कुछ कुछ नहीं करने को मांगता है। आप बैठ जाइए मिस जेनिफर। यस सर। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये सबक इंसान ठोकर खाकर ही सीखता है। बहरहाल मैंने आप लोगों को कुछ प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा था। मिस्टर मक्खन टू द डायरेक्टर कामा काटा इंडस्ट्रीज लिमिटेड कामा बंबई 4000 फुल स्टॉप। मिस्टर मक्खन, ये पंक्चुएशन मार्क जरा निकाल दीजिए बीच में से। जी पंक्चुएशन मार्क के पूरे नंबर होते हैं। मैंने दिए आपको, चलिए आगे बढ़िए। आदरणीय महोदय। महोदय नहीं, महोदय। महोदय महोदय, छोड़ो जी, आपकी कंपनी में जो लिया था अफसर की जगह खाली है उसके लिए मैं बिल्कुल सूटेबल उम्मीदवार हूँ। आपका जे काम तो मैं अपने दफ्तर में बैठा बैठा ही कर दूंगा। आपकी तसल्ली के लिए मैं कोई पत्थर उल्टा किए बगैर नहीं छोड़ूंगा। क्या 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 क्या, कोई पत्थर उल्टा किए बगैर? ओ जी, अंग्रेजी में कहते हैं ना, आई लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। योर फेथफुली मक्खन। एक ऐसा काम कीजिएगा, जरा नीचे पीएस में लिख दीजिएगा, आई एम अ स्टोन विच कैन नॉट बी अनटर्न्ड। मैं ऐसा पत्थर हूं जिसे उल्टा नहीं किया जा सकता। बैठ जाइए। मिस जेनिफर। यस सर, यस सर। मैनेजर को नॉर्थ साउथ एयरलाइंस बॉम्बे 4 मिंडी 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 नहीं मिंडी नहीं 4000 26 नहीं 26। यस सर, वही सर। माय डियर मिस्टर मैनेजर, हमको तुम्हारा हवा जहाज में हवा होस्टेस का काम करने को मांगता है। हमारा 12 क्लास खलास करके पास हो गया है। हमको बहुत अच्छा हिंदी आता है। हमारा एप्लीकेशन, सॉरी हमको नहीं मालूम एप्लीकेशन को हिंदी में क्या बोलता है, पर हम समझता कि तुम हमारा बात समझता, तो प्लीज ये हमारा एप्लीकेशन को कंसीडर करो। सॉरी हमको नहीं मालूम कंसीडर को हिंदी में क्या बोलता है। हाँ तो प्लीज हमारे को जल्दी में जवाब दो और हम इंटरव्यू के वास्ते आएगी। सॉरी हमको नहीं मालूम इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोलता है। Yes sir, all my love from JJ, Jennifer Jones. Miss Jennifer, किसी भी हालत में, किसी भी हालात में आपको ये नौकरी हरगिज नहीं मिल सकती। पर सर हमको ये नौकरी मिल गया है। ओ भाई जी, बहुत खुश नहीं होने का, ये जो लास्ट में तुम लिखा ना from all my love, इसलिए तुमको ये नौकरी मिला। कैकी, shut the mouth up। नहीं पर उसको नौकरी इसीलिए ही मिल रहा है। ए बोशुन बोशुन, बैठ जाइए मिस जेनिफर।
Yes, sir. Sir, Kaki, sir, खड़े हो जाइए. Yes, sir. बैठ जाइए. Sir. Miss Vijaya. Miss Vijaya. प्रार्थना पत्र. But sir, I'm film star. I'm को नौकरी की जरूरत नहीं है. But then too, sir, I'm Mika. Then too, Mika. प्रिय मिस्टर चार्ल्स, हमको आपके कंपनी में परमानेंट मेंबर बनने का. हम सब कुछ करता, हमको सब कुछ आता. आपको बहुत खुश करेगा जी. आपके जवाब का हम इंतजार करेगा. जल्दी लिखना, तुम्हारा प्यार विजय. यह खमीस का बच्चा हमारे विजय के ऊपर आंख मार दी. अयो उसका अंक जी जिसको चाय के मार गया ना सर. आप बिल्कुल ठीक. मैं चाहिए, आप ही मैं चाहिए. मिस्टर मुआंगो, प्रार्थना पत्र. मेरा प्यार थाम, राम राम. तुम हमको दो कुछ काम, हम लेगा बहुत कम दाम. मेहनत करेगा सुबह शाम. मेरा नाम मुआंगा सोयो, पता वेकुन डाम गरगाम. अरे वाह, तो बड़ा पोएटिक प्रार्थना पत्र है. बैठ जाइए, बैठ. धन्यवाद सर. मिस्टर चार्ल्स, मिस विजया, मिस्टर चार्ल्स, मिस विजया, मिस विजया, मिस्टर चार्ल्स, मिस विजया, मिस्टर चार्ल्स. भाई आप लोग क्लास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे. क्या क्या ये क्या बातें क्या हो रही है? क्या है सर के हम दोनों एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना चाहते हैं. सर, हमको जाने दीजिए. भाई ऐसा कौन सा जरूरी काम हो गया कि आप इतनी इंटरेस्टिंग क्लास को छोड़कर जाएंगे? जरा जरा आपस का मामला है. Can we go now, please? ठीक है, देखिए अगर आपका आपस का जाती मामला है तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले प्लीज आप मिस दीक्षित से जरूर पूछ लीजिएगा, नहीं तो वो काली पीली नीली सफेद होती रहेंगी. और एक बात का ख्याल और रखिएगा, एक बात का ख्याल और रखिएगा, ठोकर मत खाइएगा. थैंक यू सर. रोमन अंड्री, रोमन अंड्री. और अच्छा वी बाबा. अरे सर, सर ये चार्ल्स और विजया का मामला मेरे को बहुत गड़बड़ लगता है. गड़बड़ नहीं, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसी कोई खास बात है इसमें. नहीं सर, पर वो दोनों साथ में रोज बाहर जाता है. कान्या कुमारी. कान्या नहीं, और कन्या कुमारी. आई आई मिसेस कन्या कुमारी स्पेंसर, कैसी है हमारी नई दुल्हन? अरे क्या बात है, परेशान सी लग रही हो? कुछ नहीं अर्चना, मैं मिस दीक्षित से मिलना चाहती हूँ. जरूर जरूर, क्यों नहीं. एक मिनट हाँ, मैं उन्हें अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ. मैडम, मिसेस चार्ल्स आपसे मिलना चाहती हैं. जी आप अंदर जा सकती हैं भाभी जी. थैंक यू अर्चना. अरे तुम मिसेस चार्ल्स है ना? हाँ. आजकल की औरतों को सब्र नाम की चीज ही नहीं है. मर्द के पीछे दौड़ी दौड़ी स्कूल में भी चली आई है. अरे वो बेचारी तो इतनी परेशान थी, ऐसा लग रहा था अब भी रो पड़ेगी. यहाँ क्यों रो रहे हैं? हाय हाय, क्या हुआ चार्ल्स को? वो कहाँ है? क्लास में होगा. नहीं वो नहीं होगा क्लास में. मैंने खुद उसे क्लास में जाते हुए देखा है. मैं भी खुद देखना चाहती हूँ. हाँ हाँ देखिए, लेकिन हुआ क्या झगड़ा? नहीं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. मैं क्या करूँ? आप पानी पी लो, क्लास में जाके देखेंगे. समझिए, प्रोज को हिंदी में गद्य कहते हैं और पोएट्री को हिंदी में पद्य कहते हैं. यह बात वैसे मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, और आने वाले दिनों में जब मेरा दिल चाहेगा मैं फिर से समझाऊंगा. बहरहाल आप फिलहाल ये बताइए कि कहानी पद्य में लिखी जाती है या गद्य में लिखी जाती है? मिस्टर अस्लान, पद्य में लिखी है. पद्य, पद्य नहीं, पद्य, पद्य लेकिन पोएट्री होता है. वो तो गद्य पद्य में लिखी है. गद्य पद्य, गद्य गद्य और पद्य के. चार्ल्स कहाँ है? मैंने कहा था ना वो नहीं होगा, और वो विजय अभी नहीं है. अरे मिसेस चार्ल्स, हेलो क्या बात है? चार्ली कहाँ है? चार्ली, चार्ली, चार्ली अभी अभी तो यहीं था, अभी आ जाएगा. नहीं वो विजय अभी यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो मेरे चार्ली के साथ गई है, मुझे मालूम है. मिस्टर मोहन, चार्ल्स और विजय कहाँ है? मैडम कुछ देर पहले चार्ल्स यहाँ बैठा हुआ था, विजय वहाँ बैठी हुई थी, और वो अरे हाँ वो दोनों तो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं. मेरी इजाजत के बगैर जाने कैसे दिया आपने? मैंने कहा था ना उनसे, मैंने कहा था कि जाने से पहले आप मैडम से इजाजत लेकर जाइएगा, वरना मैडम काली पीली नीली सफेद हो जाएंगी. आप होती हैं कि नहीं? हो गई ना. मेरा सब ठीक निकला, मुझे मालूम है वो दोनों कहाँ गए होंगे. कहाँ गए? बुटीक में. बुटीक में? बुटीक में क्या करने गए? उस चुड़ैल के लिए नए कपड़े खरीदने.
कैसे पता? मैंने फोन पे सुना था, चार्ली ने विजय से कहा था कि वो उसे कपड़े ट्राई करने के लिए बुटीक में मिलेगा। हाँ, अब मेरी समझ में आ गया। इसका मतलब ये निकलता है कि वो दोनों जरूर बुटीक है होंगे। पोपटलाल ज्वेलर्स की यहाँ भी मैंने साथ में देखा था। चार्ली विजय के लिए जेवर खरीद रहा था और वो उसे पहन के दिखा रही थी। और परसों तो मेरे ही घर में वो दोनों तुम्हारी आंखों में सागर की गहराई है, तुम्हारे मीठे मीठे होंठों पर फूलों की तबस्सुम है, तुम्हारा गरम गरम बदन मेरे रग रग में शोले भर खाती है। तुम्हारी मुद्दत से इसी आग में जलती हूँ, हमको अपने आगोश में ले लो मेरी जान। लेता हूँ। यानी बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, हमें इसे रोकना होगा। मैडम, मिस्टर रसलान, आप जरा मेरे साथ चलिए, मुझे आपकी गाड़ी की जरूरत होगी। अरे बाबा एक मिनट, सर हम लोग भी साथ चलेंगे। यस सर। भाई सब लोग साथ में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि गाड़ी की पीछे की सीट पे तो मिसेस चार्ल्स बैठकर सिर्फ अकेली रोएंगी ना। सर हमारे पास 3 गाड़ी है। तो भी ठीक है, आप रो सकती है। चलिए रेडी सर, मैडम स्टार्ट किया जाए। शुरू किया जाए। ये भी बहुत खूबसूरत है। माय गॉड, ये मत लिखना। तुम ये चौली का गाना बजाएगा तो हम तुम्हारे कपड़े तोड़ डालेगा। कोई दूसरा गाना बजाओ। मेरे ख्याल से सारे ड्रेसेस अच्छा है, सब नोट कर लो और सब पैक कर लेना। ओके, आई एम स्वीट चार्ल्स। धन्यवाद। बहुत अच्छा, तुम क्या अच्छा अच्छा दिखता है। अब घर जाके तुम दोबारा पहन लो मेरे लिए, बहुत मजा आता है। देखो मैंने कहा था ना, उसने विजय के लिए कितनी सारी चीजें खरीदी है। लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? उसको पिकअप के लिए पब्लिशर ने $50,000 एडवांस दिए थे। पब्लिशर ने कितनी बोली? $50,000। अब बातें करती रहेंगी, बोलो चलो। Oh, my God.
कौन सा पाप? चार सौ नीचे आना है। चार नहीं। नॉटी हो गए हो, ये सब नाटक तुमने क्यों किया? मैं अगर नहीं करता ना तो सरप्राइज का मजा नहीं आता। अब विजया ने तुम्हारे लिए तोहफा चुनने में बहुत बहुत मदद किया। लेकिन घर में तुम और विजया, अयो वो तो हम अपना फिल्म सीन कर रिहर्सल करता होता जी। हाँ ये उनका शर्त था, वो मेरा मदद करेगा तोहफा चुनने में, मैं उनकी मदद करेगा एक्टिंग करने में। अब देख लो उसने मुझको अपना भाई बना दिया, ये सोने का राखी बांधा। मुझे माफ कर देना विजया, मैंने तुम्हें गलत समझा। परवाह नहीं, डोंट वरी। ये तो बड़ी अच्छी कहानी है किसी फिल्म के लिए। हम ये फिल्म फाइनेंस करेगी, तुम प्रोड्यूस करो। पिक्चर का टाइटल क्या होएगा? जबान संभाल के जो चाहे कहो पर सारा देखभाल के। जबान संभाल के